Assalamualaikum guys, this is Rashad Fat Khan on your screen. I hope you are all well, and I am back with another important video for all those who are appearing for AKU 2023 exam. अच्छा guys, इस video में मैं एक बहुत important resource के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ, और वो एक ऐसे section के बारे में है कि जिस section से related मुझे सबसे ज़्यादा questions आते हैं inbox में. और in fact ये inbox में इसलिए questions आते हैं क्योंकि AKU ने इससे related सिर्फ sample paper में उसके sample questions डाले हुए हैं, लेकिन उससे related कोई भी syllabus नहीं डाला. ठीक है, कोई भी गाइडेंस नहीं डाली, कहीं पर भी आपको कोई भी गाइडेंस नजर नहीं आएगी, कोई भी ऑफिशियल गाइडेंस इसकी नहीं है. अगर कोई भी आपको ये कहे कि ये इसकी ऑफिशियल गाइडेंस है AKU की तरफ से, तो सॉरी टू से बट दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, लेकिन हाँ, ऑफिशियल गाइडेंस तो कहीं पर भी AKU की इस सेक्शन के से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, AKU के जो रिक्रिएटेड पास्ट पेपर्स हैं उनको ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ चुके हैं या फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसके बारे में मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बार वीडियोज बना भी दी है, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपको बता भी दिए हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ओवर द ईयर्स गैदर किए हैं और आप लोगों को आप तक पहुंचाए हैं. ठीक है, सो बेसिकली वो सेक्शन जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, वो सेक्शन है मैथ रीजनिंग. यस, मैथ रीजनिंग. मैथ रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है कि जिससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी AKU की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, सिवाय सैंपल पेपर में उसके क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन हैं. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, मैथ रीजनिंग को प्रिपेयर कैसे करना है, क्वेश्चन ये आता है कि मैथ रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर किया जाए. सो मैथ रीजनिंग को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो ऑन टू द बेसिक लेवल मैथ. ओके, व्हाट इज बेसिक मैथ? बेसिक मैथ की बहुत डेफिनेशन हो सकती है. ओ लेवल की मैथ भी हो सकती है, ए लेवल की भी हो सकती है, मैट्रिक की भी हो सकती है, इंटर की भी हो सकती है, कौन सी मैथ. सो बेसिकली अभी तक जितने भी पेपर्स आए हैं AKU के, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने फीडबैक लिया है, इवन मेरे अपने अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस थे मैथ रीजनिंग के वो भी मैंने देखे, जो सीनियर्स के फीडबैक था उनसे मैंने उन सबसे कंपेयर ये किया कि जो ओ लेवल डी मैथ की आप मैथ पढ़ते थे, ओ लेवल में डी मैथ में बेसिक टॉपिक्स के, जिसमें आपके पास बेसिक मैथ आती है, जिसमें आपके पास फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डेसिमल मैथ, सारी वो मैथ जो बगैर कैलकुलेटर के है, सब के सब, एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज, वेरिएशंस, रिलेशंस, कंबाइंड रेट्स, सब. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, मेंसुरेशन, एंड ये सब कुछ, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं मैथ के. इनफैक्ट रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस एज वेल, एंड परसेंटेजेस एज वेल, परसेंटेज डिफरेंस, परसेंटेज चेंज एज वेल, इस टाइप के टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ चुके हैं. मैंने देखे कंबाइंड रेट से काफी क्वेश्चंस आते हैं AKU से, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादातर आते हैं, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, राइट. अब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ओ लेवल मैथ में मिलेंगे, ए लेवल मैथ में मिलेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ए लेवल मैथ के जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं वो बहुत एडवांस हैं, उनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये आते ही नहीं है. ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं आपके ओ लेवल डी मैथ से. अच्छा, अब इंटर वाले स्टूडेंट्स कहेंगे ओ लेवल डी मैथ कैसे करें, ओ लेवल डी मैथ के तो चार बुक्स हैं, चार बड़ी बड़ी बुक्स, वो ओ लेवल के स्टूडेंट्स ने भी जरूरी नहीं कि पूरी की हो, राइट. और ए स्टार लाना ओ लेवल के मैथ में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर हम क्या करें, लाइक वेयर टू स्टडी इट फ्रॉम. तो गाइज, ओ लेवल के डी मैथ मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं. अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं और आपके ओ लेवल में ए स्टार था मैथ में, तो बस आप जाकर उसी को रिव्यू कर दें. ठीक है, उसके लिए आप पास पेपर्स करें. ठीक है, ओ लेवल के पास पेपर्स जो मैथ के थे, बस उन्हीं के कुछ ईयरली पेपर्स कर लें, आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी. उसके साथ साथ जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका उसमें कंज्यूम हो जाएगा. इसकी बजाय आप क्या करें, आप SAT-1 की मैथ यूज करें. SAT-1 मैथ जो नॉन कैलकुलेटर सेक्शन है वो आपके AKU की मैथ से काफी रिजेंबल करता है. इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो SAT-1 से ही उठा के डाल दिए जाते हैं. SAT-1 की बहुत सारी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगी, कॉलेज पैंडा, कैंगरू मैथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैरेंस, प्रिंसटन, बहुत सारे बुक्स हैं. लेकिन अगेन, इनमें से आपको चूज कौन सी करनी है, मैं इनमें से कोई भी यूज नहीं करता. पर्सनली अपने स्टूडेंट्स से एक और टेक्स्ट बुक यूज करता हूं, उसका नाम मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा. ठीक है, बेसिकली आप इन चारों टेक्स्ट बुक्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दे आर ऑल वेरी गुड बुक्स. लेकिन बस ख्याल रहे कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं कीजिएगा, बस जो बेसिक चीजें, जो नॉन कैलकुलेटर सेक्शन वाली चीजें वो कीजिएगा. ठीक है, फिर उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप जा सकते हैं सीधा मैथ रीजनिंग के लिए
SAT 1 मैथ। अच्छा, जो ओ लेवल स्टूडेंट्स हैं, जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं और वो ओ लेवल मैथ नहीं करना चाह रहे या ओ लेवल मैथ के रिव्यू करने के बाद भी उनके ये लगता है कि उनकी मैथ सही नहीं है, तो उनको भी यही चाहिए कि दे डू SAT 1 मैथ। इनफैक्ट आप ये कर सकते हैं, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कि आप जाके बस SAT 1 मैथ की एक टेक्स्ट बुक ले, उसे स्टार्ट करें सॉल्व करना, उसमें कोई चीज़ कोई टॉपिक आपको याद ना आ रहा हो उसे रिव्यू करें बस, ठीक है। सारी की सारी DMath रिव्यू करना वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू इन दिस फ्यू, ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। बाकी उसके अलावा आपकी आसानी के लिए एक ये है कि मैं अपने पर्सनल क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है मेरा, राइट, यू गाइस नो दैट ऑलरेडी। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है मेरा, जिसके अभी आज D6 था, ठीक है, 30-35-40 डेज का क्रैश कोर्स है, ठीक है, तो हर रोज क्लास होती है 3 घंटे की। सो इफ यू गाइस वांट यू कैन साइन अप फॉर दैट एज वेल, उसमें आपको मैं मैथ रीजनिंग की काफी गाइडेंस दे सकता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल बैच चल रहा है US का, तो कोई ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ओवरसीज स्टूडेंट्स जिनके पास गाइडेंस नहीं है, ओवरसीज स्टूडेंट्स हु वांट गाइडेंस, वांट टू गेट इनटू AKU बट दे डोंट नो हाउ टू, दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी, और इफ दे वांट टू गेट इनटू एनी मेडिकल स्कूल इन पाकिस्तान दे कैन स्टिल रीच आउट, आई एम हियर टू हेल्प आउट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप चले जाएं, instagram.com/sfkshafatkhan पे जाएं और वहां पर मुझे आप इनबॉक्स कर दें, ठीक है, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू आउट। बाकी बस ये है। और हाँ, अगर आपको फिर भी ये सब कुछ इस वीडियो के बाद भी मैथ रीजनिंग में इशू है या मैथ रीजनिंग आपको नहीं कर पा रहे, तो देन देयर इज अ रिकॉर्डेड कोर्स फॉर मैथ रीजनिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड फॉर द इंटर स्टूडेंट स्पेशली। ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी रेकमेंडेड है, हाईली रेकमेंडेड है। रीजन उसका ये क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे करवा दिए हैं जो कि आपके मैथ रीजनिंग के समझे कि आपके मैथ रीजनिंग के सेक्शन को आपको कवर करा देंगे, ठीक है। सो टेक दैट रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है, वो एक बहुत ही मिनिमल फी मैंने इसके रखी है पूरी कोर्स की, बस एक साथ में आपसे थोड़ी सी फी चार्ज कर लूंगा, ठीक है, एंड बस यू गेट अ वेरी वेरी सब्सिडाइज कोर्स, ठीक है। एंड ये एक बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये मैं हमेशा के लिए नहीं रखूंगा, ठीक है, दीज वीडियोज आर वेरी वैल्यूएबल टू मी, सो ये कुछ टाइम के लिए ये ऑफर होगा, फिर हटा दूंगा, क्योंकि और ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर अप्रोचिंग टू मी जस्ट फॉर मैथ रीजनिंग, वो क्रैश कोर्स या किसी और कोर्स में नहीं आना चाह रहे, बिकॉज ये जनरली मैं इंडिविजुअली कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं बस एक साथ पूरा कोर्स पढ़ाता हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि एक स्टूडेंट को आप अकेले अगर पढ़ा रहे हो तो दे आर योर स्टूडेंट्स, अगर एक ही स्टूडेंट आपसे भी पढ़ रहा है और किसी और से भी पढ़ रहे हैं तो फिर वो कन्फ्यूज हो जाता है, सो आई डोंट डू दैट, बट स्टिल ऑन वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ पीपल आई हैव डन दैट कि अब मैं मैथ रीजनिंग का अकेले कोर्स भी आपको दे सकता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डू दैट, सो यू कैन रीच आउट टू मी एट एनी टाइम यू वांट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और बस यही दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। ईमेल भी कर सकते हैं इफ यू वांट, बट ईमेल इज गोना बी अ लॉट स्लोअर देन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सो मेक श्योर टू टेक्स्ट मी देयर ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली, ठीक है। If you want to register or take course or take guidance, I'm here to help. I'm here to help out. Take care. But that's it, guys, for today. All the very best for your incoming AKU's exam and MDCAT exam. And may you all succeed, inshallah, and get into your dream medical schools. Allah Hafiz.